राष्ट्रीय एकता शिविर में आर के महिला कॉलेज की छात्रा संध्या मिश्रा शामिल होगी। मंगलवार को कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार ने इस बात की जानकारी दी। बताया गया कि 15 से 21 दिसंबर तक भुवनेश्वर में आयोजित हो रहे राष्ट्रीय एकता शिविर में आर के महिला कॉलेज की NSS वॉलंटियर संध्या मिश्रा भी अपने विद्याओं का प्रदर्शन करेंगी। प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार ने बताया कि इस आयोजन में मगध विश्वविद्यालय बोधगया और विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग के छात्रा और छात्रा स्वयं सेवक शामिल हो रहे हैं। बताया गया कि 15 से 21 दिसंबर तक भुवनेश्वर में आयोजित हो रहे राष्ट्रीय एकता शिविर में आरके महिला कॉलेज की NSS वॉलंटियर संध्या मिश्रा भी अपने विद्याओं का प्रदर्शन करेगी। प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार ने बताया कि इस आयोजन में मगध विश्वविद्यालय बोधगया और विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग के छात्र और छात्रा स्वयंसेवक शामिल हो रहे हैं। विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग से 3 छात्र एवं 3 छात्राओं का चयन हुआ है, जिनमें आरके महिला कॉलेज गिरिडीह से संध्या मिश्रा हिंदी कोर्स चतुर्थ सेमेस्टर की छात्रा चयनित हुई है। चयनित छात्र छात्राएं झारखंड का प्रतिनिधित्व करते हुए यहां की कला, संस्कृति, खानपान, वेशभूषा से संबंधित नृत्य, गायन, वादन आदि विद्याओं को प्रस्तुत करेंगे। बताया गया कि प्रतिवर्ष भारत सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्र छात्राओं का चयन इस कार्यक्रम के लिए होता है। खेल एवं युवा मंत्रालय की अधीनस्थ राष्ट्रीय सेवा योजना प्रत्येक महाविद्यालय में संचालित होता है। इसके तहत इस वर्ष 15 से 21 दिसंबर तक भुवनेश्वर में राष्ट्रीय एकता शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसमें बिहार से मगध विश्वविद्यालय बोधगया और झारखंड से हमारा VVU हजारीबाग के साथ 6-6 छात्र छात्रा स्वयं सेवक चयनित हुए हैं। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग के अंतर्गत आरके महिला कॉलेज गिरिडीह की छात्रा संध्या कुमारी इस सेमेस्टर 4 हिंदी और की छात्रा का चयन हुआ है। वह 15 तारीख से 21 तारीख तक भुवनेश्वर में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में भाग लेगी। वहाँ इन छात्र छात्राओं ने झारखंड का प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ की कला, खेल, संस्कृति, रहन सहन, खान पान इत्यादि चीज़ों को बताएगी, अपने संगीत नृत्य और के माध्यम से और अपनी प्रस्तुति देगी। धन्यवाद।